अगर आप एक आईफोन यूजर हैं और आप अपने आईफोन में किसी एंड्रॉयड डिवाइस से कोई फाइल को सेंड करते हैं तो उसमें सेंड हो जाती है एंड आपके आईफोन में रिसीव भी हो जाती है, लेकिन गैस वो आपके आईफोन की गैलरी में नहीं मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, और आप किसी भी डिवाइस से कोई फाइल सेंड करते हैं अपने आईफोन डिवाइस में तो वो आप कैसे उसको अपनी आईफोन की गैलरी में ला सकते हैं। तो गैस जो सेटिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सेटिंग अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपको फाइल को सेंड करने में या फिर रिसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो गैस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है ये मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन गाइस मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम होती है फाइल को सेंड करने में रिसीव करने में। तो बस गाइस जो मैं सेटिंग्स आपको बताने जा रहा हूँ ये आप अभी अप्लाई कर लो अपने सेरेट में, उसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं सेरेट हमारे आईफोन में इंस्टॉल है। आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको सेरेट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको फोटोज का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो हो सकता है आपके नन वाले ऑप्शन पे लगा होगा, या तो हो सकता है सिलेक्टेड फोटोज वाले ऑप्शन पे आपका यहाँ पे टिक होगा। उसको गाइस आपको यहाँ पे ऑल फोटोज वाले पे टिक कर देना है, देन उसके बाद बैक कर देना है। तो ये सेटिंग करने से गाइस क्या फायदा होता है, चलिए गाइस मैं आपको सेरेट ओपन करके प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अब अगर यहाँ पे हम सेंड वाले ऑप्शन में जाते हैं, उसके बाद जाते हैं फोटो वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने भी हमारे आईफोन में फोटोज एंड वीडियोज हैं कितनी इजीली यहाँ पे शो होने लगी हैं। किसी भी फोटो या फिर वीडियो को हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसको बहुत ही आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं और एक सेटिंग जो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इस सेटिंग को अभी नहीं करी है तो आपको जरूर वाली प्रॉब्लम आ रही होगी। मतलब कोई भी फाइल अपनी एंड्रॉइड डिवाइस से आईफोन में सेंड करेंगे तो वो आप रिसीव तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी गैलरी में नहीं शो करती है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे आपको एक सेटिंग कर लेनी है, फिर कोई फाइल आप यहां पे सेंड करेंगे अपनी आईफोन डिवाइस में तो जैसे गाइस वहां पे वो सेंड हो जाएगी, आपके आईफोन की गैलरी में शो होने लगेगी। तो उसके लिए यहां पे आपको मी वाले ऑप्शन पे जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में, एंड यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो इंपोर्ट वीडियो, इसको आपको इनेबल कर लेना है। यहां पे गाइस देख पा रहे हैं नीचे लिखा भी हुआ है इंपोर्ट रिसीव वीडियो इनटू सिस्टम, मतलब अगर यहां पे आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपको अपनी सेट वाले ऑप्शन में जाके वीडियो को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा आपकी गैलरी में, वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगी। अगर गाइस आपको प्रॉब्लम आ रही थी कोई भी फाइल को रिसीव करने के बाद आपके आईफोन की गैलरी में नहीं शो कर रही थी, तो अब गाइस आपकी वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। एंड हाँ गाइस अगर आपको ये भी नहीं पता है कि एंड्रॉइड से आईफोन में या फिर आईफोन से एंड्रॉइड में कोई भी फाइल सेंड कैसे करते हैं तो उसकी वीडियो भी गाइस मैंने डिटेल में बना रखी है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, उसको जाके आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।